आध्यात्म का मतलब है मन से ऊपर उठ जाना, बिना संसार से ठोकर खाए वैराग्य होना भी कोई सरल नहीं है। चाहे वो तुलसीदास का उदाहरण हो, वाल्मीकि का हो या फिर महात्मा बुद्ध का, इन सभी को पहले संसार से वैराग्य हुआ, तभी वे आध्यात्म की ओर बढ़ पाए। लेकिन सामाजिक जीवन जीते हुए भी आप भक्ति और आध्यात्म की सेवा से जुड़ सकते हैं। आध्यात्मिक संस्था मुस्कान का भी कुछ यही संदेश है, जिसका मानना है कि कृष्ण की आनंदमय भक्ति व गीता के उपदेशों को प्रचार प्रसार के साथ ही संपूर्ण मानव समाज के लिए श्री कृष्ण को समर्पित किया जाए। मुस्कान संस्था का मूल उद्देश्य कृष्ण की आनंदमय भक्ति है, जिसका संचालन कृष्ण भक्तों के समूह द्वारा किया जाता है। इसके अनुयायी भगवत भजन के साथ साथ सत्संग, योग, ध्यान, साधना, यज्ञ आयोजन, बुजुर्गों की सेवा, गौमाता की सेवा, राष्ट्र सेवा एवं राष्ट्र निर्माण से जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में मुस्कान संस्था द्वारा प्रयागराज में आयोजित महायज्ञ में शंकराचार्य श्री वासुदेवानंद जी महाराज व सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने अपने संबोधन में कई अहम बातें रखी। संस्था लगातार नेकी की राह पर चल रही है, जिसमें राजधानी लखनऊ में कई गौशालाओं का निर्माण, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस सत्र के आयोजन के साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी और भव्य आयोजन, यज्ञ व भजन कीर्तन के माध्यम से श्रद्धा भक्ति और भावना का अपार संगम देखने को मिलता है समय समय पर। इतना ही नहीं, मुस्कान संस्था स्वयंसेवी सहायता के माध्यम से लघु एवं कुटीर उद्योग में महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही हुनर हाट के जरिए बाजार भी उपलब्ध कराती है। आपको बता दें कि मुस्कान के संस्थापक व अध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत तिवारी देश के जाने माने दार्शनिक, स्कॉलर, परोपकारी व आध्यात्मिक विचारों वाले शख्स हैं। बीएचयू में रहते हुए कई शोध किए, इस दौरान कई पुस्तकें भी लिखी, साथ ही श्री कृष्ण दर्शनम व्याख्यान माला व आर्ट ऑफ हैप्पीनेस सत्र के प्रणेता हैं, जिन्होंने भारत के दर्जनों शहरों में बांके बिहारी मंदिर व मुस्कान धाम स्थापित किए हैं और ये प्रयास अनवरत जारी है। इसी कड़ी में मुस्कान संस्था द्वारा 2012 में सिंगापुर में तथा 2018 में कुआलालंपुर मलेशिया में कृष्ण भक्ति पर समागम आयोजित किया जा चुका है, जिसमें देश विदेश के लोग बड़ी संख्या में लगातार जुड़ रहे हैं। कोरोना कम होने के बाद अमेरिका व जर्मनी में समागम प्रस्तावित है। इस संगठन ने अपने कार्यकलाप एवं सिद्धांतों के चलते आम जनमानस के दिल में अपनी एक अमिट छाप व विश्वास स्थापित किया है, जिसकी समाज में काफी सराहना हो रही है। फिलहाल एक छोटा